अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो उससे भी समझ नहीं आ रहा है कि नवनीत वहां ना पहुंचे इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन नवनीत के भी तो अपने कुछ प्लान्स होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि मातोश्री के बाहर वो 9 बजे बैठने वाली है। ऐसे में वो वहां पहुंच पाएंगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने दावा तो किया है कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ये है कि शिवसेना कह रही थी कि आप मुंबई में पैर रखकर तो दिखाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चैलेंज उन्होंने दिया था और हम मुंबई में आ गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम मुंबई आएंगे तो हमें ये धमकी दी गई थी कि हम अपने पैरों पर वापस से नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए हम जिंदा हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और इसी तरह से आज 9 बजे भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री पहुंचेंगे। देखिए उनकी ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं ईगो का विषय बन रही हैं, और इसी वजह से रात भर शिव सैनिक यहाँ पर जमे हुए थे और लगातार इनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये जो रोड का एक हिस्सा है, इस हिस्से में तो शिव सैनिक है ही, इस सड़क के जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी शिव सैनिक बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा मातोश्री के पास भी शिव सैनिक बड़ी मात्रा में है, और कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू ना हो जाए इसे ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि मुंबई पुलिस का यहाँ पर कितना तगड़ा बंदोबस्त लगा के रखा हुआ है। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो स्पॉट्स है उसका जायजा ले रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए जा रहे हैं। तो सूरज, नवनीत जहां से निकलने वाली है और मातोश्री का रुख करने वाली है, सूरज वहां से कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने का, इस सवाल का हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस खबर पर पूरा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।